हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में अब प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का श्रेय लेने पर राजनीति गरमाने लगी है। जी हां, बात करें बिलासपुर की तो 4 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नैनादेवी विधानसभा का दौरा कर 43.5 करोड़ रूपये की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिसे लेकर पूर्व मंत्री व नैनादेवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई घोषणाओं का उद्घाटन करने का आरोप लगाया था, जिस पर अब भाजपा पूर्व विधायक व राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाओं का उद्घाटन किया गया है उसके लिए भाजपा सरकार ने पैसा मंजूर किया, तभी ये योजनाएं पूरी हो पाई है। वहीं रणधीर शर्मा ने कहा कि नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के अपर मंडल के तहत पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए कॉल डैम आधारित 100 करोड़ की योजना की डीपीआर को मंजूरी देने की घोषणा की। इसके अलावा पीएचसी मलोखर को सीएससी बनाने, लालाघाट आईटीआई में इसी सत्र से कक्षाएं शुरू करने, 6 स्कूलों में विज्ञान और कॉमर्स की कक्षाएं शुरू करने की घोषणाएं की, जो कि ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस अलीखड़ पुल की बात विधायक रामलाल ठाकुर कर रहे हैं, पूर्व कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में उस पुल के शिलान्यास के समय केवल 67 लाख के बजट का प्रावधान किया था, लेकिन वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में भाजपा सरकार ने इस पुल के निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए 3.58 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाई और पुल को भी पूरा करवाया है। वहीं रणधीर शर्मा ने कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर द्वारा बिना किसी सबूतों के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर सवाल खड़ा करना न केवल हास्यप्रद करार दिया है, बल्कि विधायक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य भी किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जिन स्कीमों के उद्घाटन शिलान्यास हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके लिए पैसा भी दिया है। अगर पुल की बात लें तो शिलान्यास जरूर पूर्व सरकार के समय हुआ, परंतु पैसा कांग्रेस सरकार के समय 67 लाख और हमारी सरकार के समय 3.58 करोड़ रुपए आया है। इसी तरह से स्कूलों के कमरों में आरएमएसए से पैसा हमारी सरकार के समय आया है, और जो सिंचाई स्कीमें 4 हमने जिनके शिलान्यास कराए हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो अभी जो है सितंबर 2021 में हुई है, और उसी तरह से जो खुई मेहती और लुंगड़ी कनेता की पीने के पानी की स्कीम है उसकी ऑगमेंटेशन के लिए तो 17.99 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, और उसकी भी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो 2021 की है। इसलिए पांचों स्कीमों को पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आया, टेंडर हुए, टेंडर अवार्ड हुए और आप उनका शिलान्यास हुआ है, इसलिए कोई कहीं गलत नहीं किया है। जैसे वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय को गुमराह किया, सारी बातें बिल्कुल सही ढंग से हुई हैं, और उसके साथ साथ मेरा मानना है कि जो घोषणाएं हुई वो ऐतिहासिक हुई हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र को नया आईपीएच का डिवीज़न मिलना, 98 करोड़ रुपए का पीने का पानी का प्रोजेक्ट मंजूर होना, 9 स्कूलों की अपग्रेडेशन होना, 6 स्कूलों में साइंस और कॉमर्स की क्लासेस खुलना, पटवार सर्कल देना, पीएचसी को अपग्रेड करके सीएचसी मलोखर बनाना, ऐसी अनेक घोषणाएं जो ऐतिहासिक हैं, और मुझे लगता है कि विधायक होने के नाते उनको इन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए था, परंतु उन्होंने आलोचना करके विधायक के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।